बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, दाल की रेसिपी है। और ये मैंने जो दाल बना रही है इसका नाम है दाल मसाले वाली। और इसके लिए मैंने जो जो चीज़ें ली हैं, मैंने हाफ कप मसूर की दाल ली है, उसको भिगो दिया था और धो के और साफ़ करके रख लिया। और इसी तरह मैंने हाफ कप मूंग की दाल ली थी और उसको भी धो के और भिगो दिया था और साफ़ करके रखी हुई है। और हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 2 अदद, ये मेरे पास कड़वी है, अगर आपके पास कम कड़वी है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, साबुत 2 सब्ज़ मिर्च और हरी मिर्च 2 अदद, और 1 टीस्पून से ज़्यादा थोड़ा सा लहसुन पेस्ट, टमाटर 1 अदद, आमचूर 1/2 टीस्पून, क्रश सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हींग 1 पिंच, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला इकरा गरम मसाला के नाम से मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, 1/2 टीस्पून ये तड़का के लिए चीज़ें, 1/2 टीस्पून जीरा, ये मैंने 2 अदर लहसुन की कलियां ली हैं और इसको मैंने 4 पीस कर लिया, अगर आप छोटा करके डालना चाहते हैं तो वो डालें, मुझे तो इस तरह अच्छी लगती है इसलिए मैंने ये साबुत ही डाला है। अब हाफ हाफ कर लिए, 2 अदद हैं और इसके मैं 4 पीस कर लिए। और साबुत सुरख मिर्च, अगर आपके पास गोल वो बटन सुरख मिर्च है तो वो आप 3-4 डाल सकते हैं, मेरे पास ये वाली थी तो मैंने इसलिए 2 अदद लिए क्योंकि उनको भी तोड़ के डालना है। 2 टेबल स्पून मार्जिन और 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून ऑयल। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे तैयार करनी है। ये अब मैं इसमें दाल मूंग डालती हूँ, दाल मसूर, ये नमक मिर्च और हल्दी, ये सब चीज़ें साथ ही इकट्ठी डाल देनी है। और अब मैं इसमें 3 कप पानी डाल लेती हूँ, अगर पानी कम हो जाए तो ये इसके लिए कोई मसला नहीं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं पानी, ये जब देखें अभी गाढ़ी होगी तो फिर ये। अब मैं इसमें 3 कप पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए रखती हूँ और मैं देखती हूँ ये जब ये तैयार होती है, बाकी चीज़ें किस वक्त में डालनी मैं आपको बता दूँ। ये दाल गल चुकी है और अब मैं इसमें ये चीज़ें डाल देती हूँ, आमचूर, धनिया पाउडर और क्रश मिर्च। अब ये तैयार हो चुका है और अब मैं इसको 1-2 मिनट पका के अब उतारने और तड़का लगाते वक्त मैं आपको दिखाती हूँ किन किन चीज़ों को मैं तड़का लगाना। मैंने तेल गर्म करने के रख दिया, तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें पहले हींग थोड़ी सी डालूंगी, 1 पिंच जो मैंने आपको बताया था कि हींग डालनी है। अब मैं इसमें ये लहसुन डालने लगी हूँ ना, लहसुन जैसे ही हो जाता है ब्राउन तो फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या इसमें डालना है। ये लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, मुझे ज़रा लाइट ही ब्राउन हो चाहे तो बहुत जला भी नहीं, अगर हो जाए ठीक है। ये अब मैं इसमें मार्जिन डाल दूँगा। अब ये मैं इसमें ये जो साबुत सुरख मिर्च थी ये तोड़ के डाल देती हूँ और साथ ही ज़ीरा भी, जैसे ज़ीरा गर्म हो जाता है तो फिर मैं तड़का लगा देती हूँ। ये अब हो चुका है और अब मैं इसमें तड़का लगा दूँ, ये ज़रा ज़रा लहसुन जो होता है वो थोड़ा होल का ब्राउन ज़्यादा ना करो तो इसकी ज़्यादा एक अच्छी खुशबू आती है। अब मैं साथ ही गरम मसाला डाल के और इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। लीजिए दाल मसाले वाली तैयार है, बस इसमें नमक मिर्चें हैं, जो चीज़ आप ज़्यादा कम करना चाहती कर, लेकिन ये परफेक्ट है। ये भी एक ढाबे वालों से मैं ली थी, बहुत ही मज़े की, जब आप बनाएंगे यकीन करें हट के इसका जायका और बहुत ही मज़े की है। तो जो चीज़ आप काम करें, हाँ मेरे पास सब्ज़ धनिया बिल्कुल थोड़ा सा था, अगर आपके ज़्यादा और डाल दें और ऊपर जब पेश करें तो साथ में जो थोड़ा सा मक्खन वगैरह या देसी घी डाल दें तो उसका एक मज़ा जो दुबाला हो जाता है। तो उम्मीद है जब आप ये बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं दाल वगैरह और वेजिटेबल, तो मैंने वेजिटेबल भी काफ़ी दी है, ये दाल वगैरह भी काफ़ी दी है, ये एक हट के जरा इसका था जायका मैंने खाई थी कहीं तो फिर मैंने उन लोगों से ली थी। ठीक है, जब आप इसको बनाए तो आप जो चीज़ ज़्यादा कम करना चाहती हैं, जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।